सिल्क की साड़ी पहन के एक महिला जितनी खूबसूरत लगती है शायद ही किसी और वस्त्र में लगे, और हर भारतीय नारी को पसंद भी होती है। मगर क्या आपको पता जिस रेशम के धागे से सिल्क की साड़ी तैयार करी जाती है वो धागा कैसे तैयार करा जाता है, और क्या उसे बनाने में रेशम के कीड़े को मारा जाता है? तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं सिल्क का धागा कैसे बनता है और बताएंगे इससे जुड़े कई और राज। तो सिल्क बनाने की शुरुआत होती है मलबरी के खेतों से। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों ओर मलबरी के पौधे लगे हुए। इन पौधों में से मलबरी के पत्तों को अलग कर लिया जाएगा डंडियों के समेत, और फिर इन्हें ले जाया जाएगा कारखाने की ओर। मैं आपको बता दूं इन पौधों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि अगर इनकी जड़ें मौजूद है तो दोबारा से उग जाती है। इन्हीं पौधों को आप आम भाषा में शहतूत भी कहते हैं। अब इन सारे के सारे पौधों को बढ़िया तरीके से बांधा जाएगा और फिर एक साइकिल पे लाद के इन्हें ले जाया जाएगा कारखाने में। शहतूत के पौधे सबसे ज्यादा सिल्क वॉर्म को पसंद होते हैं, इसी पौधों में से निकलते हैं रेशम के कीड़े। तो सारे के सारे पौधों को लेके आ चुके हैं और यहाँ पे अब एक एक करके सारे के सारे पौधों को बिछाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक डंठल को लिया जा रहा है, उसे बिछाया जा रहा है, नीचे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे सिल्क वॉर्म। यहाँ पे अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं, इन्हें करीब करीब 15 दिन के लिए ऐसे ही बंद कारखाने में रखा जाएगा और तब जाके वो उगेंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे। करीब करीब अपने साइज से 10 सेंटीमीटर तक ये बड़े हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। बीच बीच में इनकी जांच करी जाती है कि वो अच्छे से उग रहे हैं, मतलब बड़े हो भी रहे हैं या नहीं, और ये पौधे खा भी रहे हैं या नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े बड़े होने शुरुआत हो चुकी है, और करीब करीब 15 दिन के बाद यहाँ पे हमारे सारे के सारे सिल्क वॉर्म या फिर रेशम के कीड़े बड़े होके तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने मोटे मोटे लंबे लंबे आपको अब दिखने भी बढ़िया तरीके से शुरू हो चुके हैं। अब एक एक करके सारे के सारे कीड़ों को अलग करा जाएगा पौधों में से, तो इनका खान पान होके बड़े मड़े मोटे ताजे तो बढ़िया तरीके से हो चुके हैं। अब बारी आती है इनमें से सिल्क निकालने की, जिसके लिए एक बड़ी सी जाली ली जाएगी। ये जाली जो है ना दूसरे आकार की होती है, इसमें बड़े बड़े आप जो लंबे लंबे सरिये देख रहे हैं ना, इसी सरिये में ये बनाते हैं सिल्क। तो उसके लिए सबसे पहले इन कीड़ों को लिया जाएगा और अच्छे से इस पूरी की पूरी जाली के ऊपर बिछा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जाली में करीब करीब 1000 से 1500 कीड़े आ जाते हैं, उससे भी ज्यादा आ जाते कई बार। तो एक एक कीड़े को थोड़ी थोड़ी जगह करके छोड़ा जाएगा ताकि वो अच्छे से अपना शेल बना के बढ़िया तरीके से सिल्क तैयार कर सके। और अब इन्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा 3 से 8 दिन के लिए। 3 से 8 दिन में ये अपनी लार ग्रंथियों से एक खास प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं जिससे सिल्क का या फिर रेशम का धागा बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 दिन हो चुके हैं। अभी आपको दिखेंगे हर कीड़े के ऊपर ये पीला पीली से आपको परत दिखनी शुरू हो चुकी है। यही पीली परत है जो प्रोटीन भी है इनके लिए और हमारे लिए सिल्क। मगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हर एक कीड़ा अभी तक जिंदा है, क्योंकि सिल्क का जो कीड़ा होता है ना वो ऐसे नहीं मरता, उसको मरने में करीब करीब 10 से 20 दिन और लगेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे सारे के सारे सिल्क के कीड़ों को निकाल लिया जाएगा इस जाली से अलग करने के बाद इन्हें ले जाया जाएगा इन्हें उबालने के लिए। तो सबसे पहले इन्हें ऐसे ही रख दिया जाता है कि कुछ कीड़े अपने आप ही मर जाए। इस प्रोसेस के लिए इन्हें कम से कम 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 5 दिन में कुछ कीड़े तो अपने आप मर जाते हैं, मगर जो बाकी के कीड़े बचते हैं उनको मारा जाता है इन्हें उबाल के। तो उसके लिए इसे बोरी में इकट्ठा करके ला दिया गया है और ये आ चुकी है हमारी सिल्क की धागे बनाने की मशीन। इस मशीन के जरिए सारे के सारे धागे को निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले इसको बांध के अच्छे से सेट करा जाएगा और सेट करने के बाद इसे लगा दिया जाएगा दूसरी मशीन में, जिसमें सारा का सारा धागा इकट्ठा करती है। आप ये जो बड़ी सी मशीन देख रहे हैं इसका काम यही होता है, घूम घूम के सारा का सारा धागा अलग करके अपने ऊपर लपेट लेती है। तो अब यहाँ पे हमारी मशीन भी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। अब बारी आ जाती है इस पे धागा लपेटने की। तो जो पुराना धागा होता है वही लेके इस पे थोड़ा थोड़ा लपेटना शुरू कर दिया जाता है। और अब एक कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा ढेर सारा पानी, जिसमें कीड़ों को उबाल के सारे की सारे रेशम को अलग करा जाएगा। तो यहाँ पे हमारी अंगीठी भी तैयार है। अब धीरे धीरे करके कीड़ों को लिया जाएगा और उनको अलग कर करके उबालने के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे कीड़े तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं जो बचे होते हैं, और बाकी का जो कीड़े होते हैं वो खुद ही मर चुके होते हैं, तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये जो पीली पीली परत है ये है हमारे रेशम के धागे, इनको उबाल उबाल के अलग करा जाएगा। उबालने से क्या होता है ना, वो सारे के सारे रेशम खुद ब खुद छोड़ देते हैं, और ये जो आप धागा देख रहे हैं ना यही है रेशम का धागा जो आगे चल के अलग अलग प्रकार की सिल्क की साड़ी बनाता है। मैं आपको बता दूं इंडिया जो है ना सिल्क प्रोडक्शन में 2nd नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे है चाइना जिन्होंने सिल्क की खोज की थी। अब एक एक करके सिल्क के सारे कीड़ों में से सिल्क को अलग करा जाएगा, रेशम के धागों को बिल्कुल छान लिया जाता है इसी पानी में, उबाल उबाल के सारे कीड़े जो है वो इसी में अलग हो जाते हैं और जो रेशम के धागे वो आगे चले
जाते हैं, उन्हें हाथों की मदद से निकाल निकाल के आगे भेजा जाता है इस बड़ी सी रील पे, जहाँ पे ये धागे लपेट लपेट के सिल्क की रीले तैयार करते हैं, मतलब रेशम के धागों की जो रीले होती है ना वो तैयार करी जाती है। फिर उनसे आगे चल के साड़ी, सूट, पैंट, कमीज कुछ भी बन जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये रील बन के तैयार हो चुके, इनमें से धागों को तोड़ के अलग कर लिया जाएगा। सिल्क का जो धागा होता है ना बहुत ही ज्यादा नरम होता है, तभी आप देखते हैं ना सिल्क के धागा अगर एक भी खिंच जाए साड़ी में से पूरी की पूरी साड़ी खराब हो जाती है, वो इसी कारण होती है। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।